चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर किसान विरोधी सरकार का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को हापुड़ में महंगाई के विरोध में धरना दिया और प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारे लगाए। रालोद के जिलाध्यक्ष गौरव प्रताप, युवा रालोद के जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता शनिवार को नगरपालिका परिषद हापुड़ में धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों की समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर धरना दिया और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। धरना स्थल पर वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसान हितों की अनदेखी कर रही है। सरकार ने गन्ने का दाम 5 रुपये बढ़ाकर किसान का मजाक बनाया है। गन्ने के दाम में बढ़ोतरी डीजल के दामों में बढ़ोतरी के मुकाबले में शून्य समान है। गन्ने के बकाया का भुगतान न होने से किसान आर्थिक मार झेल रहे हैं। नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं। आज जो प्रोग्राम है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के दिशा निर्देश अनुसार हम प्रदेश की सभी तहसीलों के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जो हमारी 9 मांगे हैं, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है हमारा और बहुत सारी मांगे हैं हमारी, वो हमने आज SDM साहब को ज्ञापन दिया है और इस चीज़ के लिए हमने आज धरना भी किया है। मांग हमारी ये है, डीजल बढ़ गया, गन्ने का रेट 5 रुपये बढ़ाया इन्होंने। हमारी मांग है इसको 400 रुपये करो। हमारी मांग है डीजल के दाम घटाओ। हमारी मांग है बिजली के बिल कम करो। हमारी मांग है गन्ने का पेमेंट कराओ। हमारी मांग है रसोई गैस के दाम बढ़ गए। तो इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज धरना करा जा रहा है। जयंत चौधरी जी ने आह्वान करा कि भाई पूरे प्रदेश में सभी तहसीलों को घेरने का काम करो, तो उसी के तहत आज जो है लोकदल सब इकट्ठा होकर किसानों के साथ सभी तहसीलों को घेरने का काम कर रहा है। रालोद पदाधिकारियों ने मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान नानक चंद शर्मा, अब्बास अली, हेमंत मिश्रा, शिव कुमार त्यागी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किसानों की प्रमुख 9 मांगे हैं। गन्ने का बकाया भुगतान में ब्याज अविलंब कराया जाए। जब तक किसानों का पूर्ण भुगतान नहीं होता तब तक सभी तरह की देनदारी पर रोक लगाई जाए। गन्ने का आगामी सीजन शुरू होने वाला है, किसानों के प्रतिनिधियों से वार्ता करके सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य घोषित किए जाएं। किसानों को अपना गन्ना जिस मिल पर चाहे घेरने की छूट दी जाए, जिस प्रकार पूर्व में दी जाती थी। किसानों को गन्ने की ढुलाई का भाड़ा खत्म किया जाए। किसानों के बिजली के बिल कम किए जाए, वेट ट्यूबवेल के बिल किसानों के फ्री किए जाए। किसानों के लिए डीजल पे सब्सिडी दी जाए जैसे कि पहले दी जाती थी, जो कि अब खत्म कर दी गई है सरकार द्वारा। किसानों के खाद व अन्य कृषि संबंधित यंत्रों के दाम घटाए जाएं, जो कि बहुत ज्यादा अधिक हैं, जिससे हमारे किसान परिवार और किसान लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आवारा पशुओं से किसानों की फसल को बचाया जाए, उसके लिए एक अच्छे से प्रबंध किया जाए। सरकारी मंडी के अंदर और निजी व्यापार में भी किसानों से जो खरीद होती है वो MSP पे आधारित हो। इस तरह से ये हमारी 9 मांगे हैं जो कि हम भरपूर उठा रहे हैं।